वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज से हम क्लास 12th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम एपिसोड्स कहते हैं। ठीक है, आपको लाइन से बहुत सारे एपिसोड्स मिलने वाले हैं। एपिसोड नंबर 1 है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। एपिसोड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितने भी एपिसोड्स आगे आते जाएंगे, सभी एपिसोड्स में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपकी इतनी बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप आराम से अपने नंबर लेके आ पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। हर क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी कॉपीज के अंदर। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आइए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी अगर कोई क्वेरी हो, आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मेरे यूजर नेम को सर्च मार के मुझे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा यूजर नेम आप सभी की स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हो, तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप आपको सर्च मारना है और आप ज्वाइन कर पाओगे। अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, हमने सभी चैप्टर्स की समरी नोट्स, जितने भी तरीके से आप वीडियो देख सकते थे जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, वो बना दिए ऑलरेडी। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप समरीज को जरूर देखें और साथ साथ एपिसोड्स को देखें। ठीक है, ये एपिसोड आपको टॉपर बना देंगे, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है, हमारे यहाँ से बहुत सारे टॉपर निकलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा स्कोर करके निकलते हैं, 99% तक भी लेके निकलते हैं। तो एपिसोड्स बहुत मदद करने वाले हैं आपको, एंड तक देखना, और आपके पेपर के एक दिन पहले तक भी आपको एपिसोड्स मदद करेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, जितने भी हमने वीडियो में पढ़ाया है, वो सभी नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, www.eklavyastudypoint.com। ये हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को विजिट करके और नोट्स को पढ़ सकते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, हमारा प्रीमियम कोर्स अवेलेबल है हमारे मोबाइल ऐप के अंदर, जिसको आप जाके परचेज कर सकते हैं, जहां पे आपको समरी मिलेगी, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और MCQs मिलेंगे। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड हो, सीरियस हो पढ़ाई को लेकर, वो जाके परचेज कर सकता है। जस्ट आपको हमारा एकलव्य ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, और उसके बाद आपको जाके वहां पे सब कुछ डेमो भी दिख जाएगा, क्या क्या उसमें होने वाला है सब आपको पता चल जाएगा। तो आप मोबाइल ऐप को ओपन करना, और उसके बाद आप लॉग इन करना, अपना ID बनाना, रजिस्टर करना, और जस्ट आप अपना प्रीमियम कोर्स वहां से जाके परचेज कर सकते हैं, और आपको सब कुछ वहां पे बता दिया जाएगा जो भी वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, तो जो भी बच्चे सीरियस हो वो जाके इसको ले सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चे ये समझ रहे हैं इस टाइम पे कि नहीं, कि हमें मतलब बहुत ये है वो है, तो कोई किसी के साथ फोर्स नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीरियस हो, तो यू कैन गो एंड परचेज, अदरवाइज एपिसोड्स हैं। सेकंड जो है, यहाँ पे रिवीजन समरी आपको उसमें प्रोवाइड करवा दी जाएगी प्रीमियम कोर्स के अंदर, और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर। ठीक है, और मोबाइल ऐप वगैरह के बारे में आपको लिंक भी दे दिया जाएगा, अगर आपको नहीं पता, हालांकि प्ले स्टोर पे सर्च मारते ही आ जाएगा एकलव्य ऑफिशियल। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस वहां पे आपको करवाए हैं, और MCQs आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट वगैरह भी दे दिए जाएंगे वहां पे। अब आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वो मैं आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड करवाने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ MCQ नहीं रटवाऊंगा यहाँ पे, मैं उस तरीके से कराऊंगा जो आपके पेपर में पूछा जाता है जैसे। ठीक है, आपके पेपर में एक्सट्रैक्ट आए थे बहुत सारे, तो आपको एक्सट्रैक्ट की प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। तो अब आप एक्सट्रैक्ट देखोगे, तो द लास्ट लेसन से आया हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 इयर्स ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर द लॉस्ट बैटल्स द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वॉट कैन बी द मैटर नाउ देन एज आई हरीड एज फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हीज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी डोंट गो सो फास्ट बब यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। ओके, सो ये एक्सट्रैक्ट है, आप समझ भी गए होंगे क्या इसमें बताया गया है, कि भाई फ्रांस जा रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से बन सकते हैं। तो पहला है यहाँ पे, वेयर वॉज द नरेटर हरिंग टू रीच, जो नरेटर है वो कहाँ पे जा रहा था जल्दबाजी में, तो इसका सही आंसर होगा वो अपने स्कूल की तरफ जा रहा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अपने स्कूल की तरफ जाने में जल्दी में था वो जो फ्रांस था। अब अगला क्वेश्चन ये पूछता है, वॉट हैपेंड वेन द नरेटर रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, जब नरेटर यानी कि फ्रांस पहुंच जाता है अपनी डेस्टिनेशन, इट मीन्स अपने स्कूल के अंदर, तो वहां पे क्या होता है भाई? तो वहां पे क्या उसको डांट पड़ती है, क्या वहां पे गेट बंद होता है? नहीं, ऑप्शन सी सही होगा। उसके जो टीचर थे MML, वो उसको नहीं डांटते, स्कोल्ड नहीं करते, और उसको पोलाइटली कहते हैं कि अपनी सीट पे बैठ जाओ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, ऑन द वे टू हिज डेस्टिनेशन हु कमेंटेड अबाउट रीचिंग हिज डेस्टिनेशन, जब फ्रांस जा रहा होता है स्कूल की तरफ, तो उसको रास्ते में कौन मिलता है?
और कौन उसे उसकी डेस्टिनेशन के बारे में कोई बात कहता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने इसमें देखा था, जो हमारा एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर लिखा हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ, कि जो ब्लैक स्मिथ था वॉचर, वो फ्रांस को कहता है, डोंट गो सो फास्ट बब, इतनी जल्दी मत जाओ बच्चे, आप अपने टाइम से स्कूल पहुंच जाओगे, बहुत टाइम है अभी, ठीक है। तो ये ऐसा कहता है, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर सही आंसर ऑप्शन सी होगा, जो वॉचर है, जो कि एक ब्लैक स्मिथ है, उसने कमेंट किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। वॉट लेसन द टीचर वॉज गोइंग टू आस्क द नरेटर एंड अदर्स इन हिज क्लास दैट डे, उस दिन जब फ्रांस जा रहा था तो उसके टीचर MML क्या लेसन के बारे में क्वेश्चन पूछने वाले थे, नाउन के बारे में, वॉइस के बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो वो पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले थे, ठीक है। तो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नाउ अब दूसरा एक्सट्रैक्ट आपके सामने में लाया हूँ पोम से, मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा इसके अंदर, राइटिंग सेक्शन भी होगा इस एपिसोड के अंदर, आपको पोम के भी मिलेंगे, आपको चैप्टर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो कहीं भटकना नहीं पड़ेगा आपको। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सो माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। सो ये एक हमें एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है माई मदर एट 66 का, तो हमने इसको समझ लिया है। अब यहाँ से हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या बनते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है उसमें ये पूछा गया है, वॉट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन, बहुत दर्द के साथ क्या रियलाइज होता है कमला दास को, द पोएट रियलाइज दैट हर मदर हैज ग्रोन एज ओल्ड एज शी एक्चुअली लुक्ड, या द पोएट रियलाइज दैट हर मदर इज सिक एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल, या द पोएट रियलाइज दैट हर मदर इज डाइंग एंड वुड नॉट सर्वाइव लॉन्ग, या द पोएट रियलाइज दैट शी हैड टू गो बैक टू हर हाउस लिविंग हर मैटरनल हाउस बिहाइंड। सो पेन ये होता है कि ऑप्शन ए सही होगा, वो रियलाइज हो जाता है उसे कि उसकी माँ जो है, जो कमला दास की माँ है, वो बूढ़ी हो रही है अब, ठीक है। और जब ओल्ड एज आती है तो वही मतलब एक डर होता है बिछड़ जाने का हमें अपने माँ बाप से, तो वही उनको मतलब बहुत ज्यादा पेन रियलाइज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद आगे है, वॉट डिड द पोएट डू आफ्टर शी रियलाइज दैट हर मदर हैज ग्रोन वेरी ओल्ड, जब वो रियलाइज कर लेती है कमला दास की, हाँ मेरी माँ बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी हैं, तो अब ऐसे में क्या करती हैं पोएट कमला दास, ठीक है। मतलब शी डू, शी कंटिन्यूड टू लुक एट हर एंड रिमेम्बर्ड हर चाइल्डहुड डेज, क्या वो देखती रहती है उनकी तरफ, या फिर शी टर्न्ड अवे एंड लुक्ड एट द यंग ट्रीज, द चिल्ड्रन रशिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, या शी चेंज्ड हर माइंड एंड डिसाइडेड टू स्टे विद हर मदर, या शी कॉल्ड अ हॉस्पिटल एंड शेड्यूल्ड फॉर हर मदर्स चेकअप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, वो जस्ट इग्नोर करती हैं, अपना मुंह फेर लेती हैं और बाहर देखती हैं, यंग ट्रीज होते हैं, स्प्रिंटिंग ट्रीज, बच्चे भागते हुए आते हैं अपने घरों से खुशी के साथ, तो वहीं से उनको एक एनर्जी मिलती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अब आगे आपके सामने लिखा हुआ है, डोज ओपन माउथड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, ये हमने लाइन पढ़ी थी। अब ये जो फ्रेज है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफाई करता है ये, सिग्निफाइज ओल्ड एज, या सिग्निफाइज एडल्टहुड, सिग्निफाइज साइंस ऑफ एजिंग, या सिग्निफाइज इन्फेंसी। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ये जो मतलब एक फेस जब बेरंग हो जाता है एक तरीके से, ठीक है, एक तरफ राख की तरह हो जाता है, डेड बॉडी की तरह एकदम, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओल्ड एज में होता है ये सब, ठीक है, एडल्टहुड में नहीं होता। तो ऑप्शन ए सही होगा, ये कहीं ना कहीं ओल्ड एज को सिग्निफाई करता है। अब इसके बाद MCQs हैं, जो कि आपके सिंगल MCQs आते हैं बिना किसी एक्सट्रैक्ट के, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है, इन द पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, द लिटरेरी पर्सनैलिटी हु इज टर्म्ड एज विग्ड, कोई एक ऐसी बहुत हस्ती का नाम आया है इस पोयम के अंदर, तो वो कौन है, पीबी शैली, जॉन कीट्स, विलियम शेक्सपियर, या जॉर्ज एलियट। तो ऑप्शन सी सही होगा, विलियम शेक्सपियर को विग्ड कहा गया है इस पोयम के अंदर, और उनका नाम आया है, वो एक पर्सनैलिटी है, लिटरेरी पर्सनैलिटी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट ऑफ द पोम कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट के जो पोएट है वो कौन है, अनीस जंग, पेब्लो नेरुडा, माया एंग्लो, या TS एलीट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, पेब्लो नेरुडा जो है वो पोएट है पोम कीपिंग क्वाइट के। अब इसके बाद आगे एक और MCQ है, वेयर वॉज डॉक्टर सदाओ होकी हाउस, कहाँ था सदाओ होकी का जो घर था।
ठीक है, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, या ऑन द कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, या ऑन अ स्पॉट ऑफ द जैपनीज कोस्ट, या ऑन टॉप ऑफ एंडीज माउंटेन्स। तो ऑप्शन सी सही होगा, जैपनीज कोस्ट के जस्ट पास में ही था उनका जो घर था, बिल्कुल ठीक है, ऐसे स्पॉट पे था। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ अब आपके राइटिंग सेक्शन से जो एमसीक्यूज आते हैं वो हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका नोटिस आएगा, तो नोटिस के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो ये है, द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ कोलकाता हैज पुट अप अ नोटिस टू इन्फॉर्म द रेसिडेंट्स ऑफ कोलकाता एंड एडजॉइनिंग एरियाज अबाउट अ स्टॉर्म दैट इज गोइंग टू हिट अपन द टाउन्स व्हिच मे कॉज सम अमाउंट ऑफ डिवेस्टेशन अक्रॉस द टाउन्स। यानी कि आपको पता चल गया है कि कुछ इलाकों में स्टॉर्म कि कुछ ऐसी मतलब संभावना है, और नोटिस मतलब ये देना चाहते हैं, ठीक है, रेसिडेंट्स ऑफ कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों को, ठीक है, जिससे कुछ नुकसान भी हो सकता है स्टॉर्म से। तो अब ये यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं हम देखते हैं। देखो, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल, ठीक है, अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस। तो इस नोटिस के लिए सही एक टाइटल क्या हो सकता है, स्टे एट होम, या कॉशन अबाउट आ डिवेस्टेटिंग स्टॉर्म, या टेक प्रिकॉशन, या स्टॉर्म विल हिट। तो इसके लिए जो सही एक अप्रोप्रिएट टाइटल हो सकता है वो ऑप्शन बी हो सकता है कि कॉशन अबाउट अ डिवेस्टेटिंग स्टॉर्म, ठीक है, एक ऐसा स्टॉर्म आने वाला है जो कि नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा सही। अब आपको एक ओपनिंग लाइन चुननी है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं नोटिस की, इसकी ओपनिंग लाइन क्या होनी चाहिए, ठीक है। दिस शुड ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ सिटीजन्स ऑफ कोलकाता अबाउट, या फिर ग्रीटिंग्स एंड अटेंशन प्लीज टू एवरी रेसिडेंट ऑफ, क्या ये होगा, नहीं। ऑप्शन सी, आई विश टू शेयर अ पीस ऑफ न्यूज विद ऑल द ऑफिशियल्स ऑफ कोलकाता अबाउट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, दिस नोटिस इज रिटन टू मेक ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ कोलकाता एंड इट्स जॉइनिंग एरियाज क्वेश्चंस अबाउट, यस ये होगा, ये सही ओपनिंग लाइन है एकदम, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हेयर। अब सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द नोटिस। आपको बताना है कि वो कौन से पॉइंट हैं जो इंक्लूड होने चाहिए इस नोटिस के अंदर। तो इसके अंदर जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा नेम ऑफ द स्टॉर्म ये होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, नो डाउट। वेलोसिटी ऑफ द विंड मूवमेंट ये भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर है अप्रोक्सीमेट टाइम एंड लोकेशन, आपको टाइम एक लोकेशन अप्रोक्सीमेटली आप बता दो अगर कि कहाँ कब होने वाला है, ये भी सही है, इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो नोटिस में। फिर उसके बाद नेम ऑफ द ऑफिशियल्स, नहीं ये जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद है यहाँ पे प्रिकॉशंस टेकन बाय द डिपार्टमेंट, और ये इतना सब नहीं लिखना, ब्रीफ होना चाहिए हमारा नोटिस। सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टॉर्म ये लिख सकते हो आप, ठीक है। सो वी कैन से दैट 1, 2, 3 एंड 6, यानी कि 1, 2, 3 एंड 6, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हेयर। तो इस तरीके से हमने ये जो है अपना आज का एपिसोड कर लिया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। आगे की वीडियोस डिपेंड करेगी कि आपका रिस्पांस कैसा रहता है। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर कर देना, अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ जो भी हैं तुम्हारे साथ जो पढ़ते हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते, हम आपके लिए इतनी वीडियोज ऐसी लाने वाले हैं, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, कुछ भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कहीं और जाने की। तो आपको मैंने बता दिया है जो भी इन्फॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो से, एपिसोड हमारा खत्म होता है। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करोगे जब भी हमारी वीडियो रेकमेंड होगी, जब भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगी, तो आप लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है, लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, मैक्सिमम लाइक्स, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दें प्लीज, आपसे ये रिक्वेस्ट है। और कमेंट में आप बताइए आपको पहली वीडियो हमारी कैसी लगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।